से चलना है और इसके जो गायक कलाकार है रविंद्र सिंह इंदौरिया काम नगला सोराम करावरी आगरा से ढोली को प्रसन्न कर रहे हमारे भाई धर्मवीर सिंह भावरपुरा जयनारा से और हमारे पैड पर जो भाई साहब हैं समय तो शाम का हो ही गया है और समय भी कम है, हमको भी जल्दी है जाने की, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान लगाएंगे, शॉर्ट में काम करूंगा गुरुदेव। कवि ने मात्र एक दोहा लिखा है गुरुदेव, के बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो जो हमारा क्रम बना हुआ है उसी क्रम से चलेंगे। सुनिए दो लाइन बोल साखी, हो
मेरे सरदार। अब देखिए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरा वही प्रसंग है जिसको मैं गुरुदेव छोड़ के गया था। जब देवयानी को अपने पति के बारे में मालूम नहीं हुआ, एक असुर ने एक ग्वालिया ने आकर के उसको बताया कि एक ग्वालिया ने आके उसको सारा हाल बताया है और कमर मार के राख बनायो बाबा आए आयो है। सुपत की बात सुनी बाला ने, अरे मोहित की भर के रोई और मेरे नाई जगत में। हाँ सरदारो, आज रोती हुई कहा अपने पिता के पास आती है और क्या कह रही है बेटा, अरे आज यही रोती हो। प्रकट की तो मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन सरदारों आज क्या हो रहा है कैसे बताया। Thank you.
पैसा भी तो जाना पैदा पकड़ वापस। हाँ जी, हाँ मेरे सरदारों, अब सुनिए उड़ान। और जो मैं दो दिन से गा रहा हूं उसका रहस्य, बहुत बढ़िया, और उस भजन का भी रहस्य सुनिए। आप कच विद्या परिपूर्ण होकर के प्रस्थान करने लगा, आश्रम से आगे निकलने लगा, निकल जाता है। आज कौन कच जब आगे निकला, देवयानी को मालूम हो गई, क्या करने लगी भैया, तो मेरे भैया घेर अगारी लई। आज आगे पहुंच जाते सामने, कच के सामने पहुंच जाती है और क्या कह रही है, जैसे ही उसको घेरा आगे पहुंच जाती है गुरुदेव, क्या हुआ भैया, कच को रोक लिया देवयानी ने, कि नहीं तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, कि मैंने आपको पति मान लिया है। लेकिन क्या जवाब दे रहा है कच, कि ये अरे करे का है को अंधेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और लगे है तू बहना में। आवश्यकता होगी तब उसको तू भूल जाएगा, लेकिन उसने भी श्राप दिया है गुरुदेव,
किया भैया? उसने दिया है कि पलट के श्राप कुंवर ने दियो विप्र वरण नहीं हुई। जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ब्राह्मण कुल में तेरी शादी नहीं होगी। अब सुनिए गाना बहुत बढ़िया। और